The next question, consider the following circuit. The equivalent resistance of the circuit will be. तो तीन resistors parallel में हैं और उनके साथ एक 8 ओम का resistor series में जुड़ा हुआ है. तो पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे. क्या मैंने आपसे कहा कि यदि आपको R equivalent निकालना है इन तीनों का सिर्फ, तो क्या लिख लेना चाहिए? 2P4P6. और इन दोनों के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना चाहिए, प्रोडक्ट अपॉन सम. और फिर इसको इसके साथ सॉल्व करना चाहिए, तो 4/3 होगा. और अब आगे सॉल्व करें तो 4/3 इंटू 6 अपॉन 4/3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 22 और ऊपर आ जाएगा 24. ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आया रेजिस्टेंस इन तीनों का, और ये रेजिस्टेंस इसके साथ में सीरीज में, इसको मैं आर क्यू डैश लिख देता हूँ, इन तीनों का इक्विवेलेंट. और इन तीनों का इक्विवेलेंट 8 ओम के साथ क्योंकि सीरीज में है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 24/22 प्लस 8. आप चाहें तो इसे कैंसिल कर लें, तो ये होगा 12/11 प्लस 8, तो 88 प्लस 12, यानी वो हो गया 100 अपॉन 11 ओम. 100 अपॉन 11 ओम को क्या लिखा जा सकता है? ये 99 प्लस 1 100 अपॉन 11, एंड सो ऑप्शन सी इज करेंट. 9:1/11 ओम इज द आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गिवन कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर प्रोड्यूसेस एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000 जूल. इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी. तो याद आना चाहिए हीट प्रोड्यूस्ड के फॉर्मूले. एच बराबर आपने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला VIT, और या फिर I²RT, और या फिर लिख सकते हैं V²T/R. आप P×T भी लिख सकते हैं. तो ये हैं सब हीट प्रोड्यूस्ड के फॉर्मूले. इसमें से अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो हम करंट से करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला या तो ये यूज करेंगे या फिर ये फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं H=I²RT. तो क्या बोला हुआ है कि अ गिवन कंडक्टर कैरिंग करंट 1 प्रोड्यूसेस एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000. करंट को डबल करने पर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? हालांकि यहां पर टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम मान लेंगे कि हम कंपैरिजन सेम टाइम इंटरवल्स में कर रहे हैं. एक बार करंट को 1 एम्पियर फ्लो करके और दूसरी बार करंट को डबल करके. दोनों बार रेजिस्टेंस भी सेम है, यानी टी और आर दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे एच प्रोपोर्शनल टू I². एंड इफ करंट इज डबल्ड तो हीट कैसी हो जाएगी? 4 टाइम्स, यानी 2000 थी 4 टाइम्स, यानी 8000 जूल हो जाएगी. एंड सो आंसर सी इज करेक्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू. 1 किलोवाट आर का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या यह कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. 1 किलोवाट आर कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा हुआ है. तो पहले याद लाएं कि 1 जूल कितना होता है. 1 जूल इज 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, क्योंकि जूल पर सेकेंड ही कहलाता है वॉट. तो 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इज 1 जूल. अब 1 किलोवाट आर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आर, मतलब 1 किलोवाट पावर वाला कोई अप्लायंस जब 1 घंटे तक यूज होता है तब 1 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम होती है. तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000, और आर को सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड. ये 36 को यहीं रहने दें और ये दो जीरोस इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो 10^5 वाट सेकेंड. और वाट सेकेंड होता है जूल, यानी 36 × 10^5, यहाँ क्या लिख देंगे? जूल. तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू होता है 36 × 10^5 जूल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसको यदि साइंटिफिक वे में लिखेंगे तो 3.6 लिखना चाहिए, मतलब यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई. तो कभी कभी ऐसा भी आपको दिखेगा 3.6 × 10^6 जूल. हाल फिलहाल 1 किलोवाट आर इज 36 × 10^5 जूल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन थ्री रेजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज एक्स. तो आपको मालूम है जब तीन इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो आर इक्विवेलेंट इज आर अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. तो यही फॉर्मूला लगा देंगे. तो आर इक्विवेलेंट जो एक्स के बराबर दिया हुआ है वो कितना होगा? R/3. ये एक इक्वेशन. इफ दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस विल बी. तो हर रेजिस्टर कितने का हो गया फिर? 3x का. और इनको यदि हम
सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 9x, 3 times 3x, क्योंकि तीनों सीरीज में है और सीरीज में इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3, तो 3x + 3x + 3x मतलब 9x इज द आंसर. तब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज एप्लीकेबल इन द फ्यूज वायर इज, फ्यूज वायर में इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल होता है. तो आपको पता है फ्यूज वायर लेड टिन अलॉय होता है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही जब लार्ज वैल्यू का करंट उससे फ्लो होता है तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और फ्यूज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है. तो फ्यूज वायर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एप्लीकेबल है, ना कि केमिकल इफेक्ट, ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट और ना ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. केमिकल इफेक्ट किस में होता है? वोल्टामीटर में. मैग्नेटिक इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनोमीटर में. तो फ्यूज वायर में एप्लीकेबल होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. I²RT फॉर्मूला लगता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से हमको फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. पहला क्या है, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर इनटू सेकंड. तो आप जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो करंट की कोई भी यूनिट इनटू टाइम की कोई भी यूनिट वो चार्ज की यूनिट होगी. तो एम्पियर है करंट की यूनिट, सेकंड है टाइम की यूनिट, तो ये है करंट इनटू टाइम, यानी चार्ज की यूनिट होगी, यानी ऑप्शन ए तो करेक्ट है. पर हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. सेकंड है डेबा इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यहां बात हो रही है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, और वो होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, क्यू इनटू 2a, इसकी पी की SI यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर. पर यदि इस चार्ज को फ्रैंकलिन में मेजर करें, मतलब EMU में, और सेपरेशन रखें एंगस्ट्रॉम में, मतलब चार्ज हो 10^-10 फ्रैंकलिन या EMU और सेपरेशन हो 1 angstrom, तो ये यूनिट कहलाती है डेबाय. तो डेबाय इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बट दिस इज नॉट आवर आंसर. नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डिपेंड्स अपॉन एल एंड ए. तो बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है. रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है. मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली ये करेक्ट होना चाहिए. क्या लिखा हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज ई कूलम व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इज ई वी वोल्ट. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ. आप जानते हैं वी बराबर W/Q, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी, यानी जब कोई चार्ज क्यू वी पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट होता है तो वर्क डन होगा क्यू वी के बराबर. अब यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ई वी लिखेंगे और ये वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. दिस इज वेलोसिटी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने यहाँ लगा दी है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बट दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग, नॉट करेक्ट.